हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग सच सुनना चाहते हो कि झूठ सुनना चाहते हो, क्योंकि दूसरे बहुत सारे रिव्यूअर्स की तरह मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस को क्या सुनना है। मुझे ये बोलना है कि भाई जो रियलिटी है, हर साउथ की मूवी अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि हर बॉलीवुड की मूवी खराब हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बॉलीवुड वाले भी कुछ ऐसी मूवीज बना लेते हैं, हालांकि काफी सालों से कुछ भी ऐसी मूवी नहीं बनाया उन लोगों ने जिसकी तारीफ कर सके, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन यार साउथ इंडस्ट्री की क्यों फालतू में आप लोग तारीफ करते हो। आज एक ऑफिशियली तेलुगु मूवी जिसको पैन इंडिया बोल के रिलीज कर रहे हैं। पहले तो भाई जब से बाहुबली क्या आ गई है, हर साउथ इंडस्ट्री वालों को ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ ऐसी मूवी बना सकते जो पैन इंडिया करके रिलीज करे। मैं मानता हूँ कि बाहुबली के बाद KGF जैसी मूवी आई है या पुष्पा जैसी मूवी आई है, लेकिन उसके अलावा मुझे तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कोई भी ऐसी मूवी जो पैन इंडिया बोल के हो। नहीं है ना, वो साहो पाहो, वो राधे कृष्णा, वो सब कैसी थी वो हमको पता है, राधे श्याम कैसी थी हमको पता है। अब आ रही है लाइगर जो कि अगेन अपनी बेइज्जती करवा के जाएगी और कुछ भी नहीं है। एज अ मूवी लवर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखो हमने बहुत सारी मूवीज देखी और ट्रेलर देखकर हमको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी मूवी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। और अगर बॉलीवुड में अगर आप लोगों ने सुल्तान मूवी देखी या तूफान जो रिसेंटली फरहान अख्तर की रिलीज हुई थी जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, तो उन दोनों का मिक्स मुझे लाइगर नजर आ रही है। मतलब कुछ भी अलग चीज नजर नहीं आ रही है। ऊपर से जो इतना लाउड टाइटल ट्रैक सुनने को मिलता है, मतलब यार क्या बताना चाह रहे हो आप, ट्रेलर दिखा रहे हो कि कोई टाइटल ट्रैक दिखा रहे हो, पहले तो ये आप लोग डिसाइड कर लो। ऊपर से जो राम या कृष्ण डायलॉग बोलती है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड है लाइगर। दो अलग ब्रीड के एनिमल को जब सेक्स करवाते हैं उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसे क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से राम या कृष्ण डायलॉग मार रही है कि ये लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड है लाइगर, तो इससे तो दो ही मतलब निकल सकते हैं, या तो माँ टाइगर है और बाप लायन है, या तो माँ लायन है या बाप टाइगर है। इस डायलॉग का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्या हिसाब से इन लोगों ने इस डायलॉग को लिखे है और वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। खैर अगर विजय देवराकोंडा की बात करें तो ये साउथ के एक बहुत बड़े स्टार है, और अब मैं साउथ वाले डायरेक्टर की एक असलियत बताता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि साउथ के किसी बड़े सुपरस्टार को ले लो और कोई भी मूवी बना के हम उसको एज अ पैन रिलीज कर देंगे तो वो मूवी चल जाएगी। हलवा है क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और इसका ट्रेलर देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि यार मूवी ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस को कितना पसंद आएगी। साउथ में भले इसको 100-200 करोड़ कमा ले लूंगा, हिंदी ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि ये मूवी इतना देखने में इंटरेस्ट होगी। और इस पर्टिकुलर ट्रेलर को देखने के बाद तो जो बच्चा को जो इंटरेस्ट था वो पूरा खत्म हो गया। और अनन्या पांडे ट्रेलर में इतनी खराब लग रही है, सोचो मूवी में कितनी खराब लगेगी। मुझे ट्रेलर में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उससे अच्छी तो श्रीनिधि शेट्टी ने KGF में काम किया। मतलब कम से कम वो परफॉर्मेंस लग रहा है, यहाँ पर तो ओवर एक्टिंग लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब फोर्सफुली। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपका बाप फिल्म स्टार हो और आपके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट ना हो तो कुछ नहीं बन सकते, तो आप कम से कम एक मूवी में एक्टिंग जरूर कर सकते हो। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अनन्या पांडे, रिडिकुलस मैन। मतलब क्या सोच के आप लोग उसको कास्ट किए। एंड मूवी में अगर एक्शन की बात करूं तो एक्शन अच्छे है, मगर एक्शन भी ऐसे है जिनको हमने बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखा है। इसमें एक यूनिकनेस जो होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एंड फाइनली डायरेक्शन की बात करो, यार पूरी जगन्नाथ सर की प्रीवियस मूवीज मैंने देखी है जो कि अच्छी है, मगर बुड्ढा होगा तेरा बाप वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी अमिताभ बच्चन सर की, तो ये मूवी भी मुझे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लग रही। बट कुछ जो कमेंट्स सेक्शन आप लोग पढ़ते हो ना, तो कमेंट्स में जो भर भर के तारीफ करते हैं ना, वो क्या पेड रिव्यूज होते हैं, वो पेड कमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और हीरो इसमें हकला है, अबे हकलों की लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ रिव्यूअर्स ऐसा बोल रहे कि हकला, अरे क्या स्वैग है, अरे कुछ तो ईमानदारी दिखाया है तुम्हारे प्रोफेशन से। मेरा घर तो भाई रिव्यू से नहीं चलता, बट मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आप तक ऑनेस्ट चीजें पहुंचाओ। और लाइगर में ऐसी कुछ भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी जिसकी यहाँ पर मैं तारीफ कर सकूँ। वो हकलेपन की तो भाई मैं उसको स्वैग नहीं बोल सकता हूँ। रियल दुनिया में लोग हकलों की मजाक उड़ाते, सॉरी यार बुरा मत माना, लेकिन वाकई में मजाक उड़ाते, लेकिन मूवी में जब हीरो कर रहा तो उसकी तारीफ कर रहे, कमाल है यार। ओवरऑल आई वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर। आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब माइक टायसन को तो मतलब कहीं से भी सूट नहीं हो रहा है, उसका नाम मत लेना प्लीज। माइक टायसन को सिर्फ एज अ प्रमोशन यूज किया है, बॉलीवुड वालों ने कई साल पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन को यूज किए थे यार कमबख्त इस मूवी में, तो उसका मतलब ये नहीं कि इनके आने से मूवी हिट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। चलो यार बस मैं जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये ट्रेलर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको भी ऐसा लगता है कि यार इस बार साउथ इंडस्ट्री वाले कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं यार ऑडियंस के साथ, मतलब कुछ भी पैन इंडिया के नाम पे पेल दोगे ऐसा थोड़ी ना चलेगा।
फिलहाल तो मूवी कैसी हो तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, ट्रेलर में हगा है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।